प्यारा लग रहा है। या अरसे बाद अपने आप को ऐसे छोटू से हेयर्स पर देख। व्हाट अर्बैनी क्लॉथ्स एंड ज्वेलरीज के अलावा अदर एक्सेसरीज भी सेल करता है। वाओ। हेलो लवलीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर गर्ल शामली एंड अगेन आई एम बैक विद अ न्यू हॉल। आज का जो हॉल है वो होने वाला है अर्बैनी का एक्सेसरीज हॉल। विदाउट कटिंग फॉर द डिले लेट्स जंप ऑन टू द वीडियो। सो जो वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज अ क्राउन। लाइक मुझे काफी टाइम से मेरे वीडियोस एंड ऑल के लिए एक अच्छा सा क्राउन चाहिए था और मुझे बहुत सारे क्राउन्स मैंने देखे और मुझे एक क्राउन फाइनली पसंद आया। कैन यू सी दिस? आई एम इन लव विद द क्वालिटी विद द डिजाइन। मुझे ये डिजाइन बहुत पसंद आया। इसमें अभी दो कलर्स थे शायद सिल्वर कलर। साइज इज एम, तो ये सिंगल साइज है। सी द रिफ्लेक्शन जब लाइट पड़ रही है, स्टिल समथिंग कुछ मटेरियल होता है ना सिल्वर, ये वो मटेरियल है। इसकी डिटेलिंग जो है वो बहुत ही प्रिटी लग रही है। सो आई गॉट दिस वन फॉर 891 रुपीज, विच इज 900। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज ब्यूटिफुल सा हेड। मुझे मैंने काफी सारा कलरफुल कलेक्शन देखा हुआ था हेड का और मुझे ये वाला सबसे प्यारा लगा क्योंकि आई बिलीव ये सबके साथ चल जाएगा। बहुत ही अस्थेटिक और सटल वाला वाइब देता है एंड लुक्स क्वाइट स्टाइलिश। सो मुझे ये कलर क्वाइट कंफ्यूज थी ब्लैक व्हाइट एंड ऑल। ब्लैक और व्हाइट कलर का मेरे पास नॉर्मल वाला ऑलरेडी था, हेड कुछ फर वाले पैटर्न में नहीं था। सो ये फर वाला मुझे इतना प्यारा लगा। आई मीन इट हैज अ नाइस स्पेस। इसका कलर ब्राउन एज यू कैन सी और साइज इज फ्री साइज। अब मैंने पर हमेशा 1000, 2000, 3000 की शॉपिंग पर कुछ कूपन अवेलेबल रहते हैं तो मैं कभी भी इकट्ठा शॉपिंग नहीं करती। मुझे कुछ भी खरीदना होता है मैं उसी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग करती हूँ, 1000, 2000, 3000, ताकि एक कूपन कोड उस पर अप्लाई हो जाए और मुझे थोड़ी सी बजट शॉपिंग मिल जाए। सो आई गॉट दिस वन फॉर 750 रुपीज। अगर हम H&M एंड ऑल पर देखेंगे तो कहीं भी 1300 से कम का तो मैंने नहीं देखा है कहीं। सॉफ्ट वाला फर इट हैज। सॉरी मेरे कैमरे की वजह से मुझे बार बार नीचे झुकना पड़ रहा है व्हेन आई एम शोइंग समथिंग ऑन माय हेड व्हिच इज दिस वन इज अवेलेबल। कैंटना अगेन देयर इज वन मोर हेड। तो मुझे ये बहुत प्यार लगा क्योंकि मुझे कुछ ऐसा चाहिए था। इसका डिजाइन मैंने ना 2000 टाइम की जो मूवीज होती थी ना उस टाइम पर मैंने मूवीज में काफी एक्ट्रेस को पहने हुए देखा था। मुझे ये बहुत पसंद आया था। ये दिस इज जस्ट फॉर स्टाइल, इट्स नॉट लाइक ये कैप है क्योंकि सर से ओपन रहता है, इसमें से फ्रंट दिया रहता है। सो दिस इज जस्ट फॉर अ स्टाइल। मुझे दिस इज अगेन इन वन साइज खाकी कलर एंड अगेन इट्स प्राइस इज 890 एंड लेट मी चेक कि मुझे कितने का पड़ा। सो आई गॉट दिस वन फॉर 747 रुपीज। रख रख के ना ये इसका आगे से इसका डिजाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है एंड या आई एक्चुअली डोंट नो कि कैसा लग रहा है क्योंकि कैमरा मैं बैक कैमरे से शूट कर रही हूँ। वापस से अपनी पोजीशन में आ गया एंड या ट्रूली नाइस नो। एंड नेक्स्ट इज आर क्यूट सा बेल्ट। आपको ये मेरे शॉर्ट वाली हॉल में भी दिख जाएगा लेकिन पूरी डिटेलिंग हम इस हॉल में देने वाले हैं। सो मुझे कुछ ऐसा बेल्ट चाहिए था, बहुत ही हाई फैशन वाले लुक्स के साथ बहुत ही सही लगता है एंड आई एम अ फैशन इन्फ्लुएंसर तो मुझे ऐसी चीजों की बहुत जरूरत पड़ती रहती है। नॉट बिकॉज ऑफ फैशन इन्फ्लुएंसर, नॉट लाइक आई डू इट फॉर अ कैमरा। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है नए नए स्टाइल्स ट्राई करना और यू नो व्हेन यू लुक स्टाइलिश यू आर जस्ट अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इट रियली फील्स सो अमेजिंग एंड ब्लेस्ड। सो मुझे वो पसंद है एक्चुअली। सो दैट्स व्हाई मैं फैशन में नई नई चीजें ट्राई करती रहती हूँ। सो बैक साइड से इट हैज दिस डिजाइन, वो होता है ना डंगरीज में जैसा होता है वैसा कुछ डिजाइन है एंड फ्रंट से इट हैज लाइक दिस। और ये अलग अलग आया हुआ था, बेल्ट मैंने खुद टाई किया हुआ है। सीरियसली या मैंने ब्लैक लिया है लेकिन एप्रिकॉट भी अवेलेबल है। एप्रिकॉट यू नो कि कुछ नेक्स्ट टू ऑफ वाइट होता है लेकिन इसका कलर मुझे कुछ पीची जैसे दिख रहा है फोटो में। आई डोंट नो हाउ इट लुक्स इन रियल। प्राइस इज एक्चुअली 990 रुपीज एंड इट्स अ ब्लैक कलर। सिंगल साइज में है बट आई गॉट इट फॉर 622 रुपीज। मैंने इसको 3000 वाले कूपन पे लिया है, लाइक 3000 का टोटल परचेज किया था मैंने। सो मुझे ये कुछ कूपन अप्लाई होने के बाद टोटल जो पड़ा है वो पड़ा है 622 का मुझे ये बेल्ट। सो या नेक्स्ट है अ बैग। और मुझे कुछ ऐसा जूट का या वुडन टाइप का ही बैग बहुत टाइम से चाहिए था। एवर ग्रीन बैग जो हर किसी के साथ पेयर अप हो जाता है, देयर इज नो स्पेसिफिक स्टाइल और यू नो ट्रेडिशनल और वेस्टर्न समथिंग जिसके साथ ही जाए। ये बहुत ही प्यारा बोहो लुक देगा। मैं उदयपुर गई थी जब तो मैं इसको लेके गई थी और मेरे जो बोहो लुक थे उसके साथ डेफिनेटली जा रहा था। वो फ्यूजन लुक मैंने ट्राई किया था। तो आई गॉट दिस वन फॉर
747 रुपीज, ये सिंगल साइज में है एंड इसका एक्चुअल प्राइस है 890 रुपीज, बट आई गॉट इट फॉर 747 रुपीज। एंड और कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी ये बाय टू गेट 30% ऑफ में भी अवेलेबल है, सो अगर आप अभी परचेज कर रहे हैं तो बाय टू गेट 30% में आपको 30% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, और उसके बाद आप डेफिनेटली वो कूपन वाला सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। वो मैग्नेट वाला हुक होता है, ये वो है, बहुत ज्यादा वेट तो ये कैरी नहीं कर पाएगा, बट एटलीस्ट आपका जो छोटू मोटू सामान होता है ना, लाइक आपके मोबाइल्स, एंड जब मैं उदयपुर में गई थी तो इसमें एक्चुअली मेरे दोनों मोबाइल, पावर बैंक और भी जो छोटा मोटा सामान होता है जरूरत का, वो सब डाला हुआ था, इतना वेट ये कैरी कर पा रहा था। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है हमारा हेयर बैंड। जस्ट नाउ आई रियलाइज, हॉल बनाते बनाते मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने बहुत हेयर एक्सेसरीज की शॉपिंग की है। 58% टोटल ऑफ होके 163 रुपीज का ये पड़ा है। अगेन दिस इज ऑल्सो इन वन साइज, इसका कलर है लाइट ग्रीन। लेट मी चेक, दिस इज एक्चुअली कॉलर स्कार्फ। सो वो होते हैं ना जो चाइनीज और कोरियंस वाले सीरियल्स में आपने देखा होगा कि जो कॉलर के बीच में ऐसे बांध लेते हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, तो मुझे बहुत प्रिटी लगा था। तो आप इसको कॉलर स्कार्फ के साथ साथ हेड स्कार्फ की तरह भी यूज कर सकते हैं। मैंने अपने रिसेंटली फोटोशूट में इसको यूज किया था, बहुत ही प्रिटी और रेट्रो वाइब दे रहा था, क्योंकि इस पर पोलका डॉट का भी डिजाइन बना हुआ है। एंड दिस इज लाइक वाई वन गेट वन फ्री, सो अभी ऑफर में चल रहा है, सो यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट। एंड बहुत सारे कलर में अवेलेबल है, व्हाइट, रेड, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लैक। अमेजिंग डील। और इसका जो क्लॉथ है ना, बहुत ही साटिन सॉफ्ट है, बहुत ही स्मूथ फील दे रहा है, एंड दैट्स व्हाई आई एम लविंग इट। नेक्स्ट इज अ थिंग दैट इज अगेन अ हेयर एक्सेसरी, ये पिंक है, और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं अपने बालों में कट करूँ या कलर करूँ, लेकिन मैं बालों के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं करती। मेरे बाल जैसे हैं मैं हमेशा वैसे ही रखती हूँ, कोई भी यू नो हीटिंग टूल वगैरह मैं कुछ भी ऐसा अप्लाई नहीं करती अपने बालों में कि मेरे बाल डैमेज हो। सो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेती अपने बालों के साथ। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी किसी विग में इन्वेस्ट करूं, मैंने अमेजोन, मीशो और फ्लिपकार्ट पर बहुत सर्च किया, बट मुझे कुछ अफोर्डेबल रेंज में नहीं मिल रहा था। दिस इज नॉट अफोर्डेबल रेंज, बट द क्वालिटी इज रियली नाइस। आई हैव 1464, 39% ऑफ होकर मुझे ये उतने में मिला है। बिल्कुल मोनालिसा टाइप, मुझे बिल्कुल फ्रंगन वाली वाइब आ रही है, बट आई एम लविंग दिस लुक, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी रंग बिरंगे बाल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैंने मूवीज में देखा हुआ है, तो आफ्टर द ब्लैक आई ऑलवेज वॉन्ट टू ट्राई दिस कलर ऑन माई हेयर्स। लेकिन मैं अपने बालों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ कि मतलब कुछ भी डैमेज नहीं होना चाहिए। सो फाइनली लाइक दिस इज अ बिग येस फ्रॉम माई साइड। सो बहुत ही प्यारा लग रहा है और मेरे फेस कट के साथ परफेक्ट ही जा रहा है। आई एम टोटली लविंग दिस वन। जब मैं 3-4 इयर्स की थी तब तक मैंने अपने आप को इतने से बालों में देखा, फिर मैंने बाल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, तो मैं बहुत अरसे बाद अपने आप को ऐसे छोटू से हेयर्स पर देख रही हूँ। मुझे माया याद आ गई बेहद, मैं जो जेनिफर ने जेनिफर का जो लुक है ना माया, मुझे लिटरली वो याद आ गई। आई एम लविंग दिस वन, आई एम ट्रूली लविंग दिस वन। So yeah, this is all about today's video. I hope you really enjoyed this and don't forget to give a thumbs up to the video and press the subscribe button and don't forget to click on bell icon to get instant notification whenever I upload any new video. So hum milte hain agle video mein, till then bye bye. Thanks for watching.